वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनक रसोई केयरिस। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत स्पेशल साबूदाने की खीर। चलिए शुरू करते हैं साबूदाने का खीर बनाना। सबसे पहले तो मैंने ये एक पैन चढ़ाया हुआ है, गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करके इसमें आधा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। इसमें घी मेल्ट हो रहा है, घी मेल्ट हो चुका है। अब ये मैंने थोड़ा सा लगभग 5-6 काजू और 5-6 बादाम दोनों को कट करके रखा हुआ था। इसको घी में ऐड करेंगे और इसको हल्का रोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये हल्का रोस्ट हो चुका है, इसी में ये थोड़ा सा किशमिश है लगभग 20 से 25, इसको भी ऐड कर देंगे। ऐड करके और थोड़ा सा चला के, बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है। जैसे ही किशमिश फूलने लगे इसको हम लोग निकाल लेंगे। किशमिश फूलने लगा है, अब इसको मैं इसमें से निकाल के एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब जो घी बचा हुआ है उसमें हम लोग ये, मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो साबूदाना को मैंने 1 घंटे पहले से पानी से धो के और इसको पानी निकाल के और रख दिया था साइड में। ये पूरा पानी इसका सूख चुका है, इसको इस कढ़ाई में ऐड करेंगे। ऐड करके और इसको हल्का रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। साबूदाने को 1 से 1.5 मिनट हो गया फ्राई करते हुए, ये अच्छे से फूल भी रहा है और हल्का हल्का ये फूट भी रहा है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे दूध। ये 1 लीटर दूध मैंने लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करें, पहले अच्छे से मिक्स करके अब इसको इसमें हम लोग पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे करके, और इसको पकाएंगे चलाते हुए। 2 मिनट हो चुका है पकाते हुए, ये धीरे धीरे दूध गाढ़ा भी हो रहा है और ये साबूदाना जो है ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये पक रहा है साबूदाना। अभी भी 3-4 मिनट और पकाएंगे इसको अच्छे से। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये जो फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, उसको इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 कूटी हुई हरी इलायची, इसको भी इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे शुगर। ये 100 ग्राम शुगर लिया है मैंने, आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 100 ग्राम साबूदाना था और 100 ग्राम शुगर लिया है मैंने। इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 4-5 केसर के धागे, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी बड़ा सुंदर लगता है केसर डालने से। इनको अब अच्छे से 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। लगभग ये साबूदाना का खीर, ये पक चुका है साबूदाना, लेकिन चीनी ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। साबूदाना का खीर व्रत में काफ़ी हेल्दी होता है। वैसे आज मेरा फास्ट था तो मैं बना रही थी, साबूदाने का खीर काफ़ी हेल्दी होता है, व्रत में तो खाना ही चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे मिलती रहूँगी। मेरा ये रेसिपी तैयार हो चुका है साबूदाने का खीर, चलिए सर्व करने के लिए निकालते हैं इसमें से। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, काफ़ी देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में हेल्दी तो होता ही है, साबूदाना काफ़ी हेल्दी होता है। घर पे बनाएं, ट्राई करें ज़रूर, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हूँ फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।